हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सबके बीच में मैं मैक्रम की डिज़ाइन लेके आ गई हूँ। आज की जो डिज़ाइन है वो फ्लावर पॉट की है, यानी कि हैंगिंग फ्लावर पॉट की डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और 4 से 5 घंटे में बन करके रेडी हो जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और बहुत कम पैसे में आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके की मैक्रम की अच्छी अच्छी डिज़ाइन लेके आती रहती हूँ और रिक्वेस्टेड वीडियो भी लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो वीडियो पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 नंबर की एक रिंग ले लेंगे और इस तरीके से पिनअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने धागा लिया है ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का धागा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 2 कलर में। आप चाहो तो अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कलर का धागा यूज कर सकते हो। और 4 मैंने यहाँ पे ब्लू लिया है और 4 मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा लिया है, यानी कि इस 2 कलर में धागा यूज करी। और दोनों का मेज़रमेंट यहाँ पर मैंने रखा है 4 मीटर, तो 4 मीटर का एक धागा है। और इस तरीके से सारे धागे को हम एक बराबर कर लेंगे, जो सिरे होते हैं ना एंड का पोर्शन उसको एकदम से बराबर कर लेंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, बराबर करने के बाद हम रिंग के नीचे से धागे को डालेंगे और इस तरीके से ऊपर से धागे को निकाल लेंगे। उसके बाद हम दोनों धागे को बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से धागे को बराबर कर लेंगे, यानी कि जो लास्ट का पोर्शन था ना उसको एकदम इक्वल कर लेंगे, कोई भी धागा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम ब्लू कलर का 1 मीटर का एक और अलग से धागा ले लेंगे और इसके दोनों सिरे को मिला लेंगे। और उसके बाद जो ऊपर की साइड में लूप बनेगी ना, उस लूप के बीचों बीच का सेंटर लेंगे और धागे को हम एक धागे को राइट साइड और एक धागे को लेफ्ट साइड इस तरीके से प्लस का आइकन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सा नॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल सा नॉट 6 टाइम मैंने लगाया है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम मैंने यहाँ पे सिंपल सा नॉट लगाया है। दोनों साइड से 6 6 इस तरीके से जो लूप है ना वो काउंट करने पे 6 नॉट आएंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसे हम कट करके पीछे की साइड में स्टिक कर देंगे। स्टिक कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 धागा लेंगे, 2 ब्लू कलर का धागा लेंगे और 2 जो ऑरेंज कलर का धागा है ना वो कलर का धागा ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से धागा ले ले, 2 धागा जो है नीचे से ले और 2 धागा ऊपर से ले, मतलब आप कहीं से भी इसमें लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 धागा ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेढ़ी वाली डिज़ाइन होने थे वो करनी है हमें। तो यहाँ पे हम ब्लू वाले धागे को, दोनों धागे को बीच में रखेंगे और ऑरेंज कलर का जो धागा है उससे हम एक बार लेफ्ट साइड में धागा को खींचेंगे इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मली जो नॉट लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें एक ही साइड से धागा को खींचना है। यानी कि ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, मैंने फिर से लेफ्ट साइड में धागा को खींचा ना, एक बार फिर देखिए, ये देखिए, हमेशा हमें लेफ्ट साइड में ही धागा क्यों खींचना है। आप चाहो तो अगर आपका राइट साइड से खींचना चाहते हो तो आप राइट से ही खींच सकते हो, लेफ्ट से नहीं, लेकिन राइट से खींचो या लेफ्ट से धागा को खींचो, एक ही साइड से आपको धागा को खींचना है और ऐसे ही जो है डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिए। तो
देखिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। और टेढ़ी लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 आई है टेढ़ी टेढ़ी। अगर लाइन की बात करें तो अभी मैं आपको इंची टेप से भी मेज़र करके दिखाऊंगी कि इसकी लंबाई कितनी है। ये देखिए मैंने इंची टेप ले लिया और इस तरीके से हम जो हमने नॉट लगाना स्टार्ट किया था ना वहाँ से हम पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरीके से मेज़र करेंगे तो 5.5 जितना 5.5 जो होता है ना इंच उतना हमें इसकी लंबाई रखी है 5.5। तो आप अपने चॉइस के अनुसार इसको ज़्यादा कम कर सकते हो लेकिन ये मीडियम साइज़ है तो मैं तो कहूँगी कि इतना ही रखिए। उसके बाद हम चारों धागे को पकड़ लेंगे और इसमें 1-2 मोती लगा देंगे। बड़ी वाली मोती जो कांटे वाली मोती होती है ना वो 2 लगा देंगे। चारों धागों को एक साथ पकड़ेंगे, ध्यान से रखिएगा, और उसके बाद 2 मोती लगाएंगे। दो मोती डालने के बाद ऊपर में हमने जो है ऑरेंज कलर का जो डिज़ाइन है वो आया था तो नीचे में उसके बाद हमें ब्लू कलर का लाना है। तो ऑरेंज वाला जो है धागा उसे हम बीच में रख लेंगे और साइड का जो ब्लू कलर का धागा है उसे हम साइड में कर लेंगे, दोनों साइड में एक एक। और उसके बाद यहाँ पे एक बार हम लेफ्ट साइड से फिर से खींचेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। ये देखिए जैसे हमने ऊपर में जितना लंबाई बनाई है ना बिल्कुल वैसे ही नीचे भी बनानी है। या तो आप राइट साइड से धागा के खींचो या लेफ्ट साइड से खींचो, कोई भी साइड से खींचना है धागा लेकिन एक ही साइड से खींचना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए अभी फिर से मैंने लेफ्ट साइड में धागा को खींचा ना और जितना हमने बना रखा है ऑरेंज वाला डिज़ाइन का ऑरेंज कलर में डिज़ाइन का बना रखा है वैसे ही हमें ब्लू में भी बनाना है और फिर ऑरेंज बनाना है। पे मैंने बना लिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जैसे हमने अभी बनाया है ना वैसे ही हमें सारे जो धागे बचे हुए हैं उन सारे में भी ऐसे ही एक पट्टी बना करके रेडी कर लेनी है यानी कि कॉलम। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी मैं एक बार पूरी आपको लंबाई करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी पूरी लंबाई मेरी कितनी आई है। तो यहाँ पर इंची टेप ले लेंगे और सबसे ऊपर से रखेंगे ये देखिए। और उसके बाद इसकी लंबाई जो टोटल है 17 है यानी कि 17 आई है इसकी लंबाई टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इतना ही आपकी भी आनी चाहिए। तो सारे धागे में ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे धागे में ऐसे ही कॉलम बना करके रेडी कर लिया है और देख सकते हैं टोटल 4 है और एकदम बराबर है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद इन सारे धागे में हम एक एक मोतियाँ डाल देंगे। ए जो हमारा एक कॉलम में जो है ना 4 धागे हैं उन चारों धागे को इकट्ठे पकड़ेंगे और जैसे हमने ऊपर में मोतियाँ लगाई थी ना वैसे मोतियाँ लगा देंगे 1-1। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक में लगा लिया है बिल्कुल ऐसे ही, बाकी सारे हैं उसी में लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों में लगा लिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि रिंग ले लेनी है 6 नंबर की। ये देखिए मैंने रिंग ले लिया। आप ये आपको मेज़र करके भी दिखाती हूँ कि कितना नंबर का ये रिंग है। तो इस तरीके से रिंग को मेज़र कर सकते हैं, 6 नंबर का रिंग है। तो सबसे ऊपर वाली हम यहाँ पे पाउच बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा नीचे वाली जो रिंग बनेगी उसका जो पाउच बनेगी ना फ्लावर रखने के लिए उसका अलग से इसका मतलब रिंग का जो मेज़र है वो अलग से होगा। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मली धागे को रिंग में अटैच करते हैं ना वैसे ही कर देना है। तो सारे धागे को इस रिंग के नीचे डाल देंगे
उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लू वाले से सबसे पहले जो बीच का धागा होगा ना, उससे हमें यहाँ पे एक बार, ये देखिए इस तरीके से एक बार लपेटा लगानी है, और उसी धागे से एक बार और लपेटा लगानी है। ये देखिए, तो एक हमारा जो धागा अटैच हो गया। एक बार फिर से देखिए, जस्ट जस्ट क्या करना है, नीचे से धागे को उठाना है और जो लूप बनेगी उस लूप में से निकाल देना है। ये देखिए, इसी तरीके से बाकी सारे धागे को अटैच कर लेंगे। सारे धागे को अटैच कर लिया है, इसमें हम अलग से धागा अटैच करेंगे, जो हमारे गैप है ना उसमें अलग से धागा अटैच करेंगे। तो इसका मेजरमेंट 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर का एक धागा ले लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे डबल करेंगे। ये देखिए, येलो कलर का मैंने 1 मीटर का धागा लिया, इसको डबल करेंगे और रिंग के नीचे से हम धागे को डालेंगे। ये देखिए, नीचे से डालेंगे और जो लूप बनेगी ना उस लूप में से दोनों धागे को हम निकाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम एक बार जो राइट साइड का धागा है ना, उस राइट साइड का धागे को हम राइट साइड में एक बार लपेटा लगा देंगे, यानी कि पाइपिंग कर देंगे, और लेफ्ट साइड का धागा जो है वो लेफ्ट साइड में हम एक बार पाइपिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक धागा अटैच हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी सारे 6 धागे, एक जो गैप है ना उसमें 6 धागे हम अटैच करेंगे, यानी कि 24 धागे हम यहाँ से अलग से अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 6 धागा एक गैप में मैंने अटैच किया है, आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा पट्टी वाला धागा है ना, उसे हमें एकदम सीधी रखेंगे, जैसे हमने ऊपर में डिज़ाइन बनाया था वैसे ही हमें इधर नीचे भी डिज़ाइन बनानी है। इस धागे से मतलब इधर उधर धागे को नहीं भटकाना है, इससे कुछ नहीं करना है, बस जो ऐसे हमारी ऊपर वाली पट्टी बनी थी वैसे ही हम दूसरा फ्लावर रखने के लिए इधर बनाएंगे पाउच। तो ऊपर में जैसे हमने टेढ़ी वाली डिज़ाइन बनाई है ना एक ही साइड से धागा को खींचते हुए ओनली लेफ्ट साइड से, वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे हमारी ऊपर की जो कॉलम है वहीं पे ऊपर ऊपर वाले बनाएंगे। फिलहाल इस धागे को हम बांध देते हैं, लेकिन बनेगी यही वाली डिज़ाइन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टाइम कम लगे, वीडियो शॉर्ट हो इस वजह से, और बीच के जो धागे थे ना उन सारे धागों को हम यहाँ पर ले लेंगे, और 4 धागे में 4 धागा ले लेंगे, और उसके बीच वाला जो 2 धागा है उसमें एक मोती डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक नॉट लगा देंगे। यही स्टेप रिपीट करेंगे और एक लाइन पूरा बना करके रेडी करेंगे। 4 धागा लेंगे, फिर बीच वाले 2 धागे में एक मोती लगाएंगे, फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यही वाला रिपीट करना है और एक लाइन बना करके रेडी कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना लिया और साइड वाला धागा हम साइड में ही रहने देंगे। जो हमारा ऊपर का टेढ़ी वाला जो कॉलम आया है ना, यानी कि पट्टी बनी थी, वो उसको हम साइड में ही रह देंगे। फिलहाल ऊपर कर देते हैं ताकि आपको वीडियो में अच्छे से डिज़ाइन दिख सके। तो एक लाइन तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मोती लगा करके नॉट लगा लिया। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ज्वाइंट किया है ना,
उसमें से दो धागा ले लेना है और दो धागा हमें दूसरे साइड से ले लेना है, यानी कि दो धागा हमें राइट साइड से लेना है और दो धागा हमें लेफ्ट साइड से लेना है। और यहाँ पे आपको गैपिंग ज़्यादा दिखेगी क्योंकि ये जो ऊपर का कॉलम है ना वो वाले हमारे बने हुए हैं यहाँ पे, तो उसका धागा हमें अभी नहीं लेना है, उसका धागा दूसरे वाले जो पॉट हम बनाएंगे ना उसमें हमें लेना है, यानी कि पाउच बनाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ही दो दो धागा पकड़ते हुए नॉट लगाते जाएंगे। अगर आपको इन नॉट में थोड़ा गैप लगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा गैप आएगा ही क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है नॉट के बीच में, तो गैप थोड़ा सा आएगा ही। उसके बाद फिर हम वापस फिर से वही पुराना वाला डिज़ाइन रिपीट करेंगे, दोनों साइड से दो दो धागा लेंगे, फिर बीच में आपको यहाँ पे नॉट लगा देनी है इस तरीके से, और यही वाला स्टेप रिपीट करना है और पूरा बना करके रेडी कर लेना है। एक बार मैं आपको किल में टांग करके भी दिखा देती हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने किल में टांग दिया है, ये देखिए, और इस तरीके से आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन। तो हमारा जो ये ऊपर पट्टी का है ना, यहाँ पे मैंने नॉट लगाया था जो मैंने आप अभी आपको दिखाया, वैसे ही ये देखिए दो दो मोतियों के बीच में आपको गैप दिख रही होगी ना, यानी कि दो नॉट के बीच में गैप दिख रही होगी, वहीं से हमें एक और नॉट लगा देना है। दो धागा हमें राइट साइड के नॉट से लेना है और दो धागा लेफ्ट साइड से, बीच में हमारे चार धागा हो जाएंगे, फिर उसको पकड़ के एक नॉट लगा देना है। यही स्टेप रिपीट करना है और पूरा आपको जितना भी इसका लंबाई चाहिए उतना बना करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बास्केट बना करके रेडी कर लिया है फर्स्ट वाला इस तरीके से, और जैसे हमने ऊपर में ये कॉलम बनाई थी वैसे मैंने नीचे में भी बना करके रेडी कर लिया है। और इसका भी मेजरमेंट ऊपर से नापे ना तो 17 है, यानी कि 17 है। और एक बार मैं इसको हटा देती हूँ ताकि अच्छे से आपको आगे का डिज़ाइन दिख सके। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने नॉट लगाए हैं ना, वो अगर सिंपल सीधी नॉट की बात करें तो 6 है, और लाइन बाय लाइन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 नॉट है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से मोती के साइड से आप नाप सकते हैं, तो गिनती करेंगे ना इस तरीके से तो 6 आएगी, और लाइन बाय लाइन की बात करें तो 12 आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद हम आगे का डिज़ाइन करेंगे, जो हमारे बॉल जैसी डिज़ाइन रहेगी ना, बैलून जैसी, वो वाली यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बनाना। यहाँ पे सबसे पहले हम चार धागा ले लेंगे, तो चार धागा ले लेंगे, ये देखिए दो नॉट के बीच में जो गैप होती है ना वैसे ही लेना है, चार धागा ले लेंगे। और यहाँ पर 4 टाइम हमें जो है नॉट लगाएंगे, यानी कि 4 नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चार नॉट लगा लिए, उसके बाद बीच वाला दो धागा ले लेंगे इस तरीके से, बीच वाला लेंगे, ध्यान रखिएगा, और दोनों धागे को हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद जैसे हमने नॉट लगाया है ना, उसके जस्ट ऊपर में, उसी के सामने ऊपर में एक आपको होल दिखेगा, ये देखिए, ये जो होल है ना, एकदम सामने वाली जो होल है ना, जो हम नॉट लगा रहे हैं ना, उसके सामने वाली होल होनी चाहिए। तो वो जो सामने वाली होल है उसमें, उन होल में हमें दोनों धागे को जो है डाल देना है, या तो आप हाथों की हेल्प से डाल दो या सीजर की हेल्प से डाल दो, आप जैसे भी हो। पीछे की साइड में हम नीचे की साइड में दोनों धागे को निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से दोनों धागे को निकाल लेंगे, और उसके बाद हम अच्छे से खींच लेंगे। और खींचने के बाद जो हमारा है ना धागा, जो हमने चार नॉट लगाया था, वो एक बैलून जैसा शेप आ जाएगा, यानी कि डिज़ाइन बन जाएगी। उसके बाद हम साइड वाला जो हमारा धागा था ना, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, उन धागों को पकड़ के अच्छे से एकदम टाइटली नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे एक हमारा डिज़ाइन बन गया है, दूसरा भी वैसे ही करेंगे। ये देखिए, चार धागा ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे चार सिंपल सा एक बेसिक नॉट लगा लेंगे,
ठीक है। और एक नॉट हम ऐसे मानते हैं, ये देखिए एक बार हम राइट साइड से धागे को खींचेंगे और एक लेफ्ट साइड से धागे को खींचेंगे, तो ये एक हमारा सिंपल सा नॉट बन करके रेडी होता है। वैसे ही यहाँ पे भी चार जो है वो नॉट लगा लेना है, उसके बाद फिर उसी के सामने जो होल होगा उसमें होल में से दो बीच वाले दो धागे को निकाल लेंगे, फिर साइड वाले को धागे को पकड़ के हम नॉट लगाएंगे। ये स्टेप रिपीट करना है और सारे धागे को ये डिज़ाइन बना करके रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है सारे में, जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही बनाया है। उसके बाद हम सारे धागे को ऐसे इक्वली पकड़ लेंगे और ब्लू कलर का जो धागा है अलग से एक ब्लू कलर का धागा लेंगे, और जैसे हमने ऊपर में सिंपल सा बेसिक नॉट लगाया था ना वैसे यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे हम ब्लू कलर का धागा ले लेंगे, एक हाथ से एक धागे को एक साइड के धागे को होल्ड करेंगे और उसके बाद राउंड राउंड घुमाते हुए लपेटा लगाएंगे, उसके 10 टाइम लगाएंगे लपेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसे हम कट कर देंगे और उधर स्टिक कर देंगे। सारे धागे जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट करके स्टिक करने के बाद हम सारे धागे को एक एक करके अच्छे से खींच लेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा लूज नहीं, अच्छे से हल्के हल्के हाथों से खींच लेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमने धागे को बांधा है वो अच्छे से सेट हो जाती है और बीच में आ जाती है, तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप भी ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो 1 बाय 1 करके सारे धागे को हम खींच लेंगे। सारे धागे को खींचने के बाद अब इसमें हम एक मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इक्वली सारे धागे को कट कर दिया है, एकदम बराबर कट करना है आपको, जितनी इसकी लेंथ रखनी है उतनी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो लटकन भी लगा सकते हैं और मेरी तरह मोती भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोती लगा रही हूँ, एक धागे में एक मोती डालना है और फिर दूसरा धागा पकड़ के चिपका देना है। ये देखिए एक धागे में एक मोती डाला, फिर साइड वाला धागा पकड़ करके आपस में दोनों को चिपका देना है। जैसे हम लोग लटकन लगाते हैं ना एंकर, बिल्कुल वैसे ही मोती भी लगाना है, ठीक है। तो सब बाकी सारे धागे में हम मोती लगा करके रेडी कर लेंगे। तो सारे में मोतियाँ लगा लिया है, उसके बाद हम ये देखिए कॉलम फिर से हमारे चार आ गए हैं, जैसे हमारे ऊपर में थे ना वैसे ही। अब यहाँ पे हम रिंग ले लिए हैं और इसका मेजरमेंट 5 नंबर है, तो 5 नंबर का एक रिंग ले लेना है और सारे धागे को इस रिंग के अंदर डाल देना है और 1 बाय 1 करते हुए इसको भी वैसे ही अटैच कर लेना है जैसे हमने ऊपर में किया था। ऊपर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने दिखाया था, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई। सारे धागे को इस रिंग में अटैच कर दिया है। अब हम अलग से इसमें भी धागा हम अटैच करेंगे, इसमें भी हम ये 16 धागा अटैच करेंगे, यानी कि एक जो गैप है उसमें जो है 6 धागा अटैच करेंगे, ठीक है। और अटैच करने का तरीका भी वैसे ही है, एक धागा ले लेंगे और इन धागे का मेजरमेंट भी 1 मीटर ही है, तो एक धागा ले लेंगे उसे डबल करेंगे, जो लूप बनेगी उस रिंग के नीचे से डाल देंगे धागे को और उसके बाद निकाल लेंगे फिर दोनों धागे को। तो बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करना है और सारे में मैंने यहाँ पे जो है धागा अटैच करके और एक सिंपल सा नॉट लगा लिया है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर में किया था ना बिल्कुल वैसे ही करना है। और जैसे हमने ऊपर में पॉकेट बनाया है फ्लावर रखने के लिए पाउच, वैसे यहाँ पे भी करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमने जो कॉलम आई है ना पट्टी, उस वाले धागे को हमने अलग कर दिया था, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। सारे धागे को पकड़ते हुए नहीं नॉट लगाते हुए जाना है, क्योंकि अब हमें पॉकेट नहीं बनानी है, पाउच नहीं बनानी है फ्लावर रखने के लिए। एक मैंने बना लिया और एक यहाँ पे बनानी है। अगर आप 3 वाला फ्लावर रखने के लिए बना रहे हैं तो इसमें आगे फिर उसके बाद जैसे हमने ऊपर में पॉकेट बनाया है ना पाउच बनाया है फ्लावर रखने के लिए, वैसे यहाँ पे भी बना लेंगे और सारे में जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ बना करके रेडी कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारा जो फ्लावर पॉट है वो बन करके रेडी हो गया है। आई होप कि आप सबको ये डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।